ऑलवेज से कि पाकिस्तानी पीपल आर इमेंसली टैलेंटेड, क्योंकि जो गाने इतने साल पुराने भी बने हुए हैं वो भी आज तक कॉपी हो रहे हैं। हे गाइस, इट्स क्रिस्लीन, वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग्स। सो गाइस, मैं रिएक्ट करने वाली हूँ और बहुत बड़ी छापा वीडियो पे। बॉलीवुड ने ये छापा मारा है पाकिस्तान से एंड इसका टाइटल है 99% लोग ये नहीं जानते कि ये गाने पाकिस्तान से चोरी किए गए हैं। सो अनदर छापा वीडियो फॉर यू ऑल, लेट्स गो। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और जब पठान मूवी का बेशरम रंग सॉन्ग रिलीज हुआ था तो सबको लगा कि वो इस गाने की कॉपी है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने। कोई समानता सुनाई दी? नहीं ना। वेल, आज फैक्ट भाई हूबहू पाकिस्तानी गाने की धुन वाला बेशरम रंग पेश करने वाला है। पर उससे पहले ये सुनो, जी हाँ, हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी मूवी का गाना भी चोरी किया हुआ है। लेकिन तब तो ये जानकर हुआ कि जहर मूवी का मशहूर गाना भी पाकिस्तानी सॉन्ग से ही इंस्पायर्ड था। अब वो कौन सा था, आइए सुनते हैं। अगर हम बात करें इस गाने की तो इस धुआंधार सॉन्ग का शुक्रिया केजे को नहीं बल्कि नाजिया हसन को देना चाहिए। जी हाँ, नाजिया हसन पूरे एशिया की पॉप क्वीन, जिसे फिरोज खान ने अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। एक गाने से वो इतना फेमस हो गई कि उन्होंने 1981 में अपना एल्बम निकाल दिया। ऐसे लेजेंडरी गाने की कॉपी करते हुए खुद करण भी कहते हैं। वहीं ऐसे एक सिंगर हैं जिनका सॉन्ग तो हमने खूब एंजॉय किया पर नाम कहीं खो गया। यस, हसन जहांगीर, जिन्होंने अपने एल्बम हवा हवा से कई इंडियंस के दिलों में सालों तक राज किया और इस गाने को इंडिया के 40-84 और मुबारक जैसी मूवी में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पर जिस सॉन्ग की अब मैं बात करूंगा, उसने तो हर एक लौंडों को ट्रिब्यूट दिया। नहीं रुकिए, शायद ये वाला है वो गाना। अरे वेट, ये नहीं, ये आ गए ना चक्कर। सोचो मिस्टर चार्ली मूवी की इस कव्वाली से कितने गाने निकले हैं और कितने निकलेंगे। पर हमने ये भी देखा है कि जब कोई धुन ना बचे तो पुराने गाने लो और एक डांस नंबर तैयार कर लो, जैसे कि ये इस सॉन्ग की धुन से जितने लोग एंटरटेन नहीं हुए होंगे उतने तो इससे हुए लफड़े से हुए। इस गाने के ओरिजिनल सिंगर अबरारुल हक ट्वीट करते बोलते हैं कि जब उन्होंने गाना टी सीरीज को बेचा ही नहीं था तो भैया मेरी धुन और आवाज कहाँ से। इसका जवाब देते हुए टी सीरीज ने भी ट्वीट कर दिया और इस लफड़े में जिस लेवल ने नाच पंजाबन रिलीज किया था उसने भी हाथ धो लिए और कहा कि अबरार का दावा ये गलत है भाई, राइट्स तो कब के बिक चुके हैं। मगर फैक्ट भाई इससे हटके एक और कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे हुए गाने की बात करेगा जो 2022 का सॉन्ग ऑफ द ईयर तक बन चुका है। जी हाँ, केसरिया। जब अयान मुखर्जी ने केसरिया गाने की प्रमोशनल क्लिप रिलीज की तो लोगों ने तारीफ के साथ एक टिप्पणी भी दी कि ये गाना शायद ऐसा सुनाई दे रहा है। इसके चलते सॉन्ग को कई ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ा। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तानी बैंड कॉल का ये गाना असल में बॉलीवुड मूवी के लिए बनाया गया था, जो गाना न सिर्फ इंडिया में सफल रहा बल्कि उसने कॉल बैंड का करियर भी बना दिया। लेकिन इस लिस्ट में एक और म्यूजिक कम्पोजर है जो अपने गानों से आग लगाते रहते हैं। करेक्ट, अनु मलिक। इन महाशय ने भी आपके साथ धोखा किया है और वो कौन सा गाना है? इतना ही नहीं, आज इंडिया के कई ऐसे मशहूर सॉन्ग्स पाकिस्तान के पुराने सॉन्ग से कॉपीड हैं, जैसे अक्की पाजी का गाना। अब ढेर सारे पुराने गानों के राइट्स होते हुए भी कोई दूसरे सॉन्ग की कॉपी करे तो कैसे चलेगा। लेकिन गाइस, जैसे हर गलती को माफ किया नहीं जा सकता, उसी तरह आशिकी जैसी मूवी में गानों की चोरी माफ नहीं होगी, क्योंकि ये मूवी जितना अपने पोस्टर के लिए जानी जाती है उतने ही उसके गानों के लिए भी। इतनी सारी मूवीज में म्यूजिक देने वाले नदीम श्रवण का दिया ये हिट एल्बम भी चोरी के रास्ते से लोगों के बीच चला है। मेरी जिंदगी है, मेरी हर खुशी है।
इंटरनेट के दौर के पहले ये सब जानना मुश्किल था, पर आज बच्चा बच्चा इन कॉपीज को पहचान लेता है। फिर भी आज हम कुछ पाकिस्तानी सॉन्ग्स को कॉपी करते जा रहे हैं, वो भी 1,000 करोड़ कमाने वाली मूवी के अंदर। वो मूवी कौन सी है जान गए ना? शाहरुख खान की कमबैक फिल्म भी प्लेगरिज्म का शिकार बन चुकी है। चाहे आज आपको बेशरम रंग की धुन सुन के कुछ याद ना आए, लेकिन एक सिंगर है जिसने इसे पकड़ लिया। नई फिल्मों का म्यूजिक सुन रहा था तो मुझे अपना 25-26 साल पुराना गाना याद आ गया। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। सॉन्ग का नाम ना लेते हुए सज्जाद ने ये दावा तो नहीं किया, लेकिन इससे सुनने के बाद लोग खुद बोल उठे कि ये कॉपी है। इतना ही नहीं, पठान मूवी का दूसरा गाना भी एक इंडियन एनिमेटेड मूवी की कॉपी लगता है। ये इल्जाम सही है या गलत वो पता नहीं, पर सज्जाद के लगाए गए इल्जाम तो साफ नजर आते हैं। और क्यों ना हो, हमने इनके एक नहीं दो नहीं तीन तीन गाने चुराए हैं, जिसमें से दूसरा है ये। मैं भी खरीदूंगा। और तीसरा गाना है थोड़ा सा प्यार हुआ है। वेल, बचपन से बचपन तक सुनते आ रहे अलका याग्निक का ये गाना असल में सज्जाद का ही है। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। सोचो, काम 1902 में अपना ओरिजिनल गाना रिकॉर्ड कर रहे थे और आज रीमेक पर रीमेक बना रहे हैं। क्या लगता है भाई लोग, इन सब का सॉल्यूशन क्या है? वेल, जब तक सॉल्यूशन ढूंढो तब तक फैक्ट भाई बता दे कि ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तानी सिंगर्स ने खुद के ही गाने इंडिया की मूवी के लिए गाए हैं। आप सबने बार बार देखो मूवी में फिलहाल सईद का फेमस गाना खैर मंगती तो सुना ही होगा। लौट के फिर तू कदे ना आया, अखां दे नाल दिल नु रुलाया। इस गाने के बारे में बात करते समय बिलाल कहते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में काफी चला, इसलिए ये सॉन्ग उनके दिल के करीब है। पर शायद लोग यही याद रखते हैं कि किसने किससे कॉपी की है, और फिर शुरू हो जाती है कॉन्ट्रोवर्सीज। ऐसा ही कुछ हुआ था जब एक इंडियन पॉलिटिशियन ने ये ठान लिया कि वो भारत के जवानों के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। वो गाना कुछ था ऐसा। शूरवीरों जैसा, पर ये भी ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन से चुराया गया था। और इस कॉपी के इल्जाम पर राजा सिंह को काफी भला बुरा सुनना पड़ा था। इंडिया ने हमेशा एक नौटंकी किस्म का काम किया जिंदगी में, अपना म्यूजिक जो है इतना सा म्यूजिक है वो सारी जिंदगी अभी भी वो बाहर से टर्किश गाने उठाते। लेकिन सिर्फ एक सॉन्ग की वजह से इतने इल्जाम लगाने वाले लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि राजा सिंह के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। तो भाई लोग, ये रीमेक का सिलसिला तो चलता रहता है, शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसने किसी के गाने नहीं चुराए। देखिए ना, सुर साथ और गाने करोड़ों, बहुत नाइंसा भी है। और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से पाकिस्तानी शोज हैं जो बॉलीवुड की कॉपी हैं, तो क्लिक करो इस आई बटन पर। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। कि पाकिस्तानी पीपल आर इमेंसली टैलेंटेड, क्योंकि जो गाने इतने साल पुराने भी बने हुए हैं वो भी आज तक कॉपी हो रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली पसूड़ी जो कोक स्टूडियो का गाना था उसका भी रीमेक आया, एंड इट इज़ सो टेरेबल। मैं आई वॉज वॉचिंग दैट मूवी एंड आई हैड टू शट माई ईयर्स, क्योंकि मैं वो वर्जन सुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि बॉलीवुड वाला वर्जन इतना ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है कि हम फिर वही गाने हमें याद रह जाते हैं। बट दी आइकॉनिक पसूरी सॉन्ग जिसमें शे गिल है, वही ट्रैक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट्स व्हाट आई फील, ओरिजिनल होता है। बट यस, देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स वी गेट यूज टू इट, हम वही सुनते रहते हैं। बट दिस इज़ टेरेबल कि देयर इज़ नो न्यू टैलेंट, देयर इज़ नो न्यू म्यूज़िक, एंड इतना हम आगे बढ़ रहे हैं बट वी आर जस्ट रीमेकिंग सॉन्ग्स, एंड हम छापा मार रहे हैं, हम गाने ले रहे हैं, बट गुड टू नो कि क्रेडिट अभी ड्यू टू द इंटरनेट क्रेडिट मिलना ही है, मिल जाता ही है, बिकॉज पीपल इवेंचुअली गेट टू नो कि ये गाने कहाँ से आए हैं। सो गाइस, दिस इज माय रिएक्शन, आई रियली होप दैट यू लाइक इट। दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ, आई लव यू।